मूर्ति का और आया मूर्ति का। अब वो तीन मूर्ति बनाया, कितना मूर्ति बनाया? तीन मूर्ति बनाया। और ये तीनों मूर्ति जो है, तीनों मूर्ति का ड्रेस कोड कपड़ा सब कुछ एक था, एकदम सब सेम, पूरा डिजाइनिंग सेम। लेकिन नीचे जो प्राइस था, एक मूर्ति का 1 रुपया था और एक मूर्ति का 10 लाख था और एक मूर्ति का 1 लाख था। इस तरीके से रख के प्राइस वो मार्केट में छोड़ दिया। जितना उस राज्य के लोग आए मार्केट में, सबको बोला भैया एक मूर्ति सब मूर्ति को एक जैसा है, एक मूर्ति का रेट 1 लाख है और एक मूर्ति का रेट 10,000 है, एक मूर्ति का 1 रुपया, तीनों का सेम दिख रहा। बोला क्या आपको लेना है? बोला लेना नहीं है, जानना है। ऐसे पूछते पूछते दिन भर परेशान हो गया, लोग पूछते गया, लोग पूछते गया। शाम के टाइम में 7 बज रहा था, उस राज्य के सिपाही राजा का सिपाही घोड़ा से आया, कल वो देखा एक मूर्तिकार आया है, तीन मूर्ति लेके आया और तीनों का रेट अलग अलग है, अब तीनों मूर्ति सेम है। तो बोला भाई साहब इसका रेट अलग अलग क्यों है? तो बोला आपको लेना है? बोला लेना नहीं है। तो बोला इस राज्य का लेने का किसी को औकात नहीं है और रेट पूछता है। अब वो मंत्री दिया घोड़ा से अपने राजा को बताया, राजा साहब हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में मार्केट में एक मूर्तिकार आया है और तीन मूर्ति सेम बनाया है और रेट तीनों का अलग अलग रखा, एक मूर्ति का रेट मात्र 1 रुपया रखा और एक का रखा 1 लाख और एक का रखा 10,000। अब कहता इस राज्य का किसी को औकात नहीं है लेने का। तो बोला पूरा पैसा के साथ दो और मूर्तिकार को मेरी हवेली बोला, बुलाया हवेली में मूर्तिकार को पूरा तीनों मूर्ति के साथ और पूछा कि बताओ क्या खासियत है तीनों मूर्ति में। तो मूर्तिकार एक रस्सी बनवाया, मंगवाने के बाद सबसे पहले 1 रुपया का मूर्ति उसके कान में रस्सी डाला, सुन रहे हैं? Yes, तो इधर से डाला और इधर से निकल गया। बोला यही खासियत है, इसके बड़े इसका रेट कितना है? 1 रुपया। दूसरा मूर्ति के कान में रस्सी डाला तो इधर से डाला और मुंह तरफ से निकला, बोला यही खासियत है। अब तीसरा कान में रस्सी डाला मूर्ति का, 1 लाख का उसका कान में डाला, रस्सी जाकर पूरा चला गया, बोला यही खासियत है। राजा साहब गुस्साया, बोला हमको समझ में नहीं आया इसमें मतलब क्या हुआ। बोला राजा साहब ये दुनिया में तीन तरह के आदमी होता है, कितने तरह के? तीन तरह के। बोला एक ऐसा आदमी होता है जो किसी भी इंसान कामयाब इंसान के बात को सुनता है तो इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है, उसका दुनिया वैल्यू होता, उसका रेट कितना होता है? 1। बोला दुनिया में एक ऐसा आदमी होता है जो कुछ टाइम तक दिमाग में रहता है और ये बात को कहीं और बता देता है, दिमाग से निकाल देता है कुछ घंटे के बाद, उसका रेट 10,000 है। और दुनिया में एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी अच्छा बात कामयाब इंसान के बात को सुनता है और उसको दिल और दिमाग में लेता है, जहन में लेता है, उस चीज को अपने जिंदगी में लागू करता है और अपने आप को कामयाब करके खड़ा करता है, उसी का रेट जो है 1 लाख। यानी दुनिया को हम संदेश देना चाहते हैं तीन मूर्ति के माध्यम से, सुन रहे हैं? दोस्तों आपको बहुत सारे लोग बुलाए होंगे, बहुत बताए होंगे, आप बहुत कुछ सुने, लेकिन सुनने के बाद डिसीजन आपका है कि आपका कीमत 1 लाख है कि 1 रुपया है, वो निर्भर आपके पर कर रहता है। आपका कीमत कितना है वो निर्भर आपके करता है कि आप 1 लाख का आपका कीमत हो कि आपका 1 रुपया कीमत है। एक आदमी किसी सीनियर से पूछा, सर मुझे 1 लाख रुपया कमाया है, सर मुझे बताइए कितना दिन हम कमाएंगे? आपकी जैसा आदमी बोला सर मुझे 1 लाख कमाना है, कितना दिन में कमाएंगे प्लीज बताइए ना। तो एग्जाम्पल कहानी से बताए, वो कहानी आपको बता दूं क्या? 1 मिनट की कहानी है। वो बताया कि एक बार बस स्टैंड में एक आदमी खड़ा था और पूछा कि हमको रेलवे स्टेशन जाना है, दुकान वाला से पूछा, बोला यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है बताइए ना। फिर बोला कि रेलवे स्टेशन कितना दूर है, 2 बार बोला नहीं सुना, 3 बार बोला कुछ नहीं जवाब दिया, 4 बार बोला कुछ नहीं जवाब दिया। वो बेचारा बेग उठाया और पैदल जाने लगा, यहाँ से 10-15 कदम 20 कदम आगे गया तो जाने के बाद बोला भाई साहब रुको। बोला यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन जाने में 8 घंटा लगेगा। बोला भाई तेरे पास हम 4 बार कुछ बताया नहीं, इतना दूर आने के बाद बता रहा है। तो बोला भाई आप खड़े होकर पूछ रहे थे, हमको ये पता नहीं था कि आपका चलने का स्पीड कितना है, सुन रहे हैं?
समझ में आया। अब चलने के स्पीड से पता चला कि आधा घंटा का, धीरे धीरे चलेगा तो भैया एक घंटा लगेगा। तो बोला कि आपका चलने का स्पीड हम देखे ना, तो मेरे को लगा आधा घंटा वहां रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा। मैं बोलता हूँ आप कितना पैसा कमाएंगे और कब कामयाब होंगे, ये भैया आपका काम करने का और आपका सीखने का और आपका मेहनत करने का तरीका पर निर्भर करता है। मैं नहीं बोल सकता हूँ भैया आप करोड़पति बन जाएंगे, आप क्यों पर निर्भर करता है, आप अपने जिंदगी में कितना पॉजिटिविटी लेते हैं। दुनिया में 90% नेगेटिव और 10% पॉजिटिव विचार आता है आप हर डे, लेकिन आप उसमें से कितना को नेगेटिव, आप क्या सोच के अपने विचार को रखते हैं दुनिया में वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप ज्यादा नेगेटिव